एक दिन पहले आपने देखा था कि कैसे केन्या की संसद को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। आप देखिए कैसे टैंक लेकर सैनिक राष्ट्रपति भवन में ही घुस गए। सैकड़ों की संख्या में सैनिक और टैंक के साथ राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया गया। भवन के दरवाजे बंद थे, उन्हें तोड़ने के लिए टैंक बुलाया गया। और इसके बाद बोलिविया का जनरल जुआन पूरी सेना के साथ राष्ट्रपति के घर में घुस गया। हथियारों के साथ खड़े सैनिक अंदर मौजूद थे और जनरल जुआन ने राष्ट्रपति से कहा कि वो सरेंडर कर दे क्योंकि बोलिविया में अब मिलिट्री राज हो चुका है। राष्ट्रपति भवन के अंदर हो रही इस सबसे बड़ी सियासी घटना का पूरे देश में लाइव प्रसारण हो रहा था। पूरा देश देख रहा था कि एक जनरल ने राष्ट्रपति को अपना पद छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है और राष्ट्रपति भवन के बाहर सड़कों पर सायरन के साथ टैंक घूम रहे थे। चारों तरफ घोषणा हो चुकी थी कि अब बोलिविया में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग सड़क पर उतर आए। जनता और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। रह रहकर गोलियों की आवाज से यह साफ था कि आने वाले कुछ घंटों में पूरे देश का भविष्य बदलने वाला है। दरअसल बगावत से एक दिन पहले जनरल जुआन जोस जुनिगा से सैन्य कमान छीन ली गई थी, इसीलिए उन्होंने विद्रोह की प्लानिंग कर देश पर कब्जा करने की साजिश रची थी और राष्ट्रपति भवन को जाकर घेर लिया। अगस्त 1825 में स्पेन से आजाद होने के बाद से लेकर के अब तक बोलिविया ने 190 से ज्यादा बार तख्ता पलट के प्रयास देखे। इसकी आखिरी कोशिश साल 2019 में हुई थी जब मौजूदा सरकार ने हार मानते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चुनी हुई सरकार आई जिसके नेता राष्ट्रपति लुइस आर्से हैं, उन पर भी अब संकट मंडरा रहा है। बोलिविया में जो कुछ हुआ उस पर रूस ने भी नजर बनाई हुई है क्योंकि तख्ता पलट की साजिश के ठीक 21 दिन पहले ही राष्ट्रपति लुइस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और रूस ने बोलिविया में न्यूक्लियर रिसर्च के साथ लिथियम खनन के कई प्रोजेक्ट पर मदद का भरोसा दिया था। खुफिया रूसी एजेंसियों को शक है कि रूस और बोलिविया के बीच इन्हीं रिश्तों की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने तख्ता पलट की साजिश रची थी।